नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज से हम घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इस मैगजीन को मार्केट में आए हुए काफी समय हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास में ये मैगजीन होगी और कुछ लोगों ने कम से कम इसको एक बार पढ़ भी लिया होगा। आप जानते हैं कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का एक ठीक ठाक पोर्शन पूछा जाता है और ये जो मैगजीन है ये अपने आप में बहुत ही शानदार मैगजीन है। तो करंट अफेयर्स तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ साथ करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक का जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको भी मैं आपको साथ ही साथ कवर कराते हुए चलूंगा, क्योंकि इस मैगजीन में थोड़ा सा काम मैंने अपनी तरफ से भी किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि घटनासार वाली जो मैगजीन आती है वो उसकी जो समरी है वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। इसके साथ साथ ये जो आई दृष्टि वाली मैगजीन है इसमें स्टार्टिंग में पूरी बुक की जो समरी दे रखी होती है सूक्ष्म दृष्टि के नाम से, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और बेहतर होगा कि पहले इसको कवर करके उसके बाद में देखिएगा। जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म किया आपने, तो राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में फिर राष्ट्रीय परिदृश्य वाली जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उनको देखिए, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के बाद में फिर वन लाइनर फॉर्म में इसकी जो समरी दे रखी है उसको आप देखते चलिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी जहां से स्टैटिक के प्रश्न बनने की संभावना होगी उनको मैंने यथास्थान इसमें कवर किया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको यहाँ से काफी हेल्प करेंगी और आपको काफी पसंद आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ये जो संस्करण है ये आठवां संस्करण है, ठीक है, आठवां एडिशन है इसका। और इस आठवें एडिशन में लगातार सातवीं बार इंदौर जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो घोषित किए। और इस सर्वेक्षण में 2023 के इस सर्वेक्षण में 4,477 शहरों का जो है असेसमेंट किया गया है, जिसमें से 61 शहर ऐसे हैं जो कि छावनी शहरों में आते हैं, 88 शहर ऐसे हैं जो गंगा किनारे बसे हुए शहरों की कैटेगरी में आते हैं, यानी गंगा टाउन्स जिनको हम कह सकते हैं। इस प्रकार ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये जैसे कि मैंने आपको बताया आठवां संस्करण है, ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण भी जो है बन गया है। अब इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं मैं आपको जहां पर विशेष रूप से कहूँ कि ये पॉइंट आपको याद रखना है तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर से हमने पढ़ा तो पूरे कितने शहरों का आकलन किया गया ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है, आप ये याद रखेंगे कि इसमें 61 जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और 88 ऐसे शहर हैं जो गंगा टाउन्स जिनको हम कह सकते हैं, गंगा किनारे बसे हुए शहर हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हो जाती है कि सातवीं बार इंदौर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। और इंदौर के साथ साथ संयुक्त रूप से सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, सूरत को भी पहली रैंक प्रदान की गई है, ठीक है। तो शहर जो है, क्योंकि काफी सारे शहर 4,000 से ज्यादा शहरों को इसमें शामिल किया गया है तो अलग अलग उनकी कैटेगरीज हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग, और ये जो शीर्ष 10 शहर हैं ये ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से ज्यादा है, मतलब 1,00,000 से ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी में जो शीर्ष शहर हैं वो दो हैं, इंदौर मध्य प्रदेश जो कि पिछली 6 बार से शीर्ष शहर बनता चला आ रहा है, सातवीं बार बना है, और इस बार जो है 1,00,000 से ज्यादा जनसंख्या श्रेणी में इंदौर के साथ साथ सूरत को भी शामिल किया गया। पहली बार जो था यानी इससे पहले सर्वेक्षण में सूरत जो था वो दूसरे स्थान पर था, इस बार इंदौर के साथ में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और बाकी तीसरा चौथा पांचवा शहर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैगजीन काफी बड़ी है तो इसमें बहुत सारे तथ्यों की भरमार है, तो सारे तथ्य आपको याद नहीं रखने, जो जरूरी चीज है सिर्फ वही आपको याद रखनी है, ठीक है। इंदौर और सूरत ये दोनों जो है पहले स्थान पर हैं, और किस कैटेगरी में है, 1,00,000 से ज्यादा जनसंख्या की कैटेगरी में। और यहाँ से केवल एक रीड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि जैसे तीसरे स्थान पर आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर आपका विशाखापत्तनम है, पांचवें स्थान पर आपका मध्य प्रदेश का भोपाल है। अब यहाँ से देखें 1,00,000 से जो कम जनसंख्या वाले शहर हैं तो उसमें जो शीर्ष पांच शहर हैं उसमें सबसे पहला शहर है आपका महाराष्ट्र का सासवाड़, ये आप याद रखेंगे। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर से बनेगा, जो कि आपका 1,00,000 से ज्यादा जनसंख्या वाली श्रेणी के जो शहर हैं उन्हीं से ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे शीर्ष पांच राज्य, अभी हम शहरों की बात कर रहे थे अभी हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ओवरऑल हमारे स्टेट्स हैं उनमें सबसे पहली रैंकिंग मिली है महाराष्ट्र को, ठीक है। लेकिन अगर शहर की बात करेंगे तो इंदौर जो है शीर्ष शहर रहा है इसमें, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। तो राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राज्यों की मतलब सूची में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 9वां है, याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, 9वीं है। राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, शहरों की श्रेणी में सूरत और गुजरात को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है।
गंगानगरों की अगर बात करेंगे तो गंगानगर ये थोड़े से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो टॉप 5 सिटीज हैं गंगा के किनारे पड़ने वाले जो शीर्ष 5 शहर हैं, उसमें से 4 शहर जो है वो कहाँ से हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो पहले स्थान पर यहाँ पे क्या है आपका, वाराणसी है। दूसरी रैंक आपको प्रयागराज को मिली है और तीसरे स्थान पर आपका बिजनौर है। ये सारे शहर ऐसे शहर हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। चौथे स्थान पर आपका हरिद्वार उत्तराखंड और पांचवें स्थान पर कन्नौज है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी चीजों को याद रख सकते हैं कि गंगा के किनारे जो शहर हैं उनमें शीर्ष 5 शहरों में कितने शहर ऐसे हैं जो यूपी से हैं, तो वो 4 हैं। मध्य प्रदेश की महू छावनी यानी महू कैंटोनमेंट को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी, ठीक है, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का जो है अवार्ड मिला है, इसको घोषित किया गया है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में, शीर्ष जो टॉप 20 सिटी है उसमें उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है, ठीक है, नाम क्या है, नोएडा। और नोएडा को रैंक कौन सी मिली है, 14वीं मिली है। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम शहरों की बात कर रहे हैं, यानी अभी हमने देखा था ना जो आपका इंदौर है और सूरत है ये पहले स्थान पर हैं। तो इस तरीके से शहरों की जो टॉप 20 लिस्ट है उसमें यूपी का केवल एक शहर है नोएडा, जिसको 14वीं रैंक मिली है। और कचरा मुक्त जो है इसको 5-स्टार रेटिंग दी गई है नोएडा को, कचरा मुक्त श्रेणी में। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक रीड कर लीजिएगा, नोएडा वाला आप याद रखिएगा। टॉप 20 शहर में सिर्फ यूपी का एक ही सिटी है, नोएडा है, 14वां स्थान इसको मिला है। और इसी कैटेगरी में देखेंगे तो गाजियाबाद को 38वां स्थान मिला है, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसमें से नोएडा का नाम याद रखेंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो इस सर्वेक्षण में घोषित किया गया है। अभी हम नोएडा के बारे में बात कर रहे थे, जो टॉप 20 सिटी है उसमें उत्तर प्रदेश का केवल एक ही शहर है नोएडा, 14वीं रैंक है। और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में अगर देखा जाए तो नोएडा को 5-स्टार शहर के रूप में जो है प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया और इस गीत का जो टाइटल था वो आप याद रखेंगे, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। और इस गीत को किसने गाया है, कैलाश खेर ने इसको गाया है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पीएम जनमन के विषय में। सबसे पहले आपको यही पूछा जा सकता है कि जनमन, ये जो नाम है पीएम जनमन, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप यहां से याद रखेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जनमन की फुल फॉर्म है, पीएम का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 15 नवंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के किस जिले से, खूंटी जिले से जो है इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसकी शुरुआत की गई है। कहां से की गई है, झारखंड के खूंटी जिले से की गई है, याद रखेंगे 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं यानी पीएम जनमन, इससे जुड़ी हुई कुछ स्टैटिक्स से जुड़ी हुई जो रिलेवेंट जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर रखी है, ठीक है, तो उसको भी आप साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो 10.45 करोड़ है, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है। इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय जो समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संक्षेप में पीवीटीजी उनको कहा जाता है। पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह। तो यहाँ पर एक चीज आपको मिल गई कि जैसे अंडमान और निकोबार की बात हो रही है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले जनजातीय समूहों की या समुदायों की बात हो रही है, तो वो मैंने कौन कौन से प्रमुख जनजातीय समुदाय में, अंडमान में कौन रहता है, निकोबार में कौन रहता है, कितनी विशेष रूप से जो पीवीटीजी जनजातियां हैं वो यहाँ पे रहती हैं, उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो अक्सर करके पिछले एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। वो हम जैसे इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो उसके बाद में इससे जुड़ी हुई जो जानकारी होगी उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो पीवीटीजी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील जनजातीय समूह है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा जो है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी 2023-24 के अपने बजट भाषण में। और ये बताया गया था कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, उसके तहत अगले 3 सालों में, यानी जो पिछला वाला बजट था, अभी आपका जो अंतरिम बजट है वो आ चुका है आप जानते हैं, लेकिन इससे पहला जो बजट था 2023-24 वाला, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है इसको
जो है स्टार्ट किया जाएगा, और इसके तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की गई थी। ये जो है आपके याद करने की जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है चीजों को। याद क्या करना है वो यहाँ से याद रखेंगे, 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, और इसी दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत जो है वो की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय यानी जितना खर्चा इस पूरे अभियान को लागू करने में आएगा उसकी मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये कितने वर्ष के लिए है, 23 से आप देखेंगे तो 23 से 24 से 25 यानी ये आपका 2 वर्ष के लिए जो है ये मिशन प्रारंभ किया गया है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी समुदाय की, जैसे पक्का घर, ठीक है, उसके घर तक पहुंचने के लिए, या आवागमन के लिए जो रोड कनेक्टिविटी होती है, या पानी की जो आपूर्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इन पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है, तो उसमें करंट अफेयर से जुड़े हुए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि कोई भी जैसे पार्टिकुलर मिशन है या कोई भी कोई अभियान स्टार्ट किया जा रहा है या कोई योजना शुरू की जा रही है तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की जा रही है, किसके द्वारा उसको जो है स्टार्ट किया जा रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, जैसे पीएम जनमन है तो ये जो है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय नोडल और समन्वयक मंत्रालय जो है इसके लिए समन्वय मंत्रालय के रूप में जो है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय वो इसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। यानी इसका जो नोडल मिनिस्ट्री जो है इसकी पीएम जनमन अभियान के लिए, जिसके तहत ये जो है अभियान स्टार्ट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, तो वो क्या है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी है। आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये जो मैंने स्टिकर इस पे लगाए हुए थे बुक पर, तो ये मैंने रेड कलर वाली लगा दी है, तो स्कैन करने के बाद में थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी शायद आपको ठीक तरीके से नहीं आ रही होगी, लेकिन इतनी भी नहीं आ रही होगी कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो अगली बार से जैसे जो नेक्स्ट इसका एपिसोड होगा उसमें मैं ये रेड वाले स्टिकर हैं इनको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे अंडमान और निकोबार में रहने वाले जो आदिवासी जनजाति समुदाय हैं, PVTGs हैं, तो उसमें से जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ से बन सकती है वो ये है, इसको आप यहाँ से देखेंगे। अंडमान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जो विशेष जनजातियाँ हैं वो रहती हैं, अंडमानी, जारावास, ओंगेस, सेंटिनली, ये चारों याद रखेंगे, ठीक है, अंडमानी, जारावास, ओंगेस और सेंटिनली। और ये जो है इसमें से हम बात करेंगे तो ये किस समूह से संबंधित है, ये निग्रिटो समूह से संबंधित है। वहीं निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे निकोबारी और सोम्पेस जनजाति समुदाय रहते हैं, ये मंगोलाइड समूह से संबंधित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अंडमान और निकोबार में जो विशेष रूप से जो मुख्य जनजातियां हैं वो कितनी है, 6 है, अंडमानी, जारावास, ओंगेस, सेंटिनली, निकोबारी और सोम्पेस, इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस मैंने आपको बता ही दिया था 15 नवंबर को मनाया जाता है। थीम वगैरह जैसे आप सोच रहे होंगे तो अभी मैंने चेक किया है तो इसकी अभी तक थीम जो है मुझे कहीं पर भी नहीं मिली है, आपको अगर मिल जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। और झारखंड का इसमें नाम आया है, ठीक है, झारखंड का नाम किस तरीके से आया है, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है वो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है, तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित थे, तो झारखंड की जनजातियों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो झारखंड में कुल जनजातियों की बात करें तो कुल 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में देखने को मिलती है। इन 32 में से ऐसी कितनी जनजातियां हैं जो अनुसूचित जनजातियों की कैटेगरी में आती है, तो वे 8 है, ठीक है, इनको पीवीटीजीज की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी हम पढ़ के चले आ रहे हैं ऊपर से पीवीटीजी क्या है, तो 8 ऐसी जनजातियां हैं जो पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, और कुछ विशेष जनजातियों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, जैसे माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, ये जो है यहाँ से देखेंगे, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, कोरबा, परहिया, बिरहोर और सबर, ठीक है। ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये जो मिशन हम बात कर रहे थे पीवीटीजी वाला, देश के 220 जिलों की 22,500 से ज्यादा बस्तियों में निवासित 28 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी शुरुआत की थी, ठीक है, शिक्षा, सूचना और संचार अभियान की शुरुआत की है। इसको क्या बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको IEC के नाम से, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान, ठीक है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया है। मतलब कुछ ऐसी जनजातीय बस्तियां जहां पर जो पीवीटीजी बहुल
जनजाति बस्तियां हैं जहां पर इस तरह की जनजातियां निवास करती हैं, तो उनमें एक तरह से अवेयरनेस पैदा हो और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो विशेष रूप से इन जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर लाई जाती हैं, तो इनका जो लाभ है, इनका जो बेनिफिट है, वो 100% तरीके से इन लोगों तक पहुंच सके, इनके लिए जो है ये अभियान स्टार्ट किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो पहले इसको देखते हैं कि 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को जो है मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और कब से कब तक की अवधि के लिए जिसको जो है स्टार्ट किया गया, 2024-25 से 25-26 तक। ठीक है, वित्तीय परिव्यय कितना रहेगा इसमें, इस योजना को लागू करने में 1261 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो निर्धारित किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, इस योजना में जो है क्या क्या चीजें बताई गई हैं या किन चीजों से संबंधित है, तो इसमें क्या करेगी जो केंद्र सरकार है, जैसे आपने नाम सुना होगा स्वयं सहायता समूहों का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको SHGs बोलते हैं, तो जो स्वयं सहायता समूहों में जो महिलाएं होती हैं उनमें से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों में से 15,000 महिलाओं को चयनित किया जाएगा। ठीक है, और 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को क्या प्रदान किए जाएंगे, ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ठीक है, जो ड्रोन इनको दिए जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो किसान है उनको इन पर किराए पर दिया जाएगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से पहले जो 500 ड्रोन है उनको उर्वरक कंपनियां उपलब्ध कराएंगी, और जबकि 14,500 जो ड्रोन है उनको अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे आपने ऊपर देखा था कुल कितने ड्रोन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पर 500 ड्रोनों को जो भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो प्रोवाइड कराएंगी, और बचे हुए जो 14,500 ड्रोन है वो अगले 2 सालों में, क्योंकि 2 सालों की इसकी अवधि है, तो अगले 2 सालों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से इनको उपलब्ध कराया जाएगा। एक ड्रोन और उसके जो सहायक उपकरण होंगे, उसकी जो एसेसरी होंगी, उसकी लगभग जो है 10 लाख के आसपास होगी, और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं के जो समूह है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है, उन ड्रोन की जो 80% लागत है वो केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से उनको दी जाएगी। ठीक है, लगभग यानी 10 लाख की लागत उसमें बता रहे हैं, तो 80% लागत जो होगी लगभग 8 लाख के आसपास होगी, तो वो केंद्र के द्वारा जो है ये खर्चा जो है पूरा उनको दिया जाएगा। तो ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में पहले ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण देने के बाद में जिस महिला को इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन के संचालन का, तो उसको क्या कहा जाएगा, ड्रोन दीदी उसको कहा जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो आपके काम आ सकती है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना जो है ये फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है, उर्वरकों से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत है वो उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी, यानी उत्पादन भी हम एक बड़े पैमाने पर करते हैं, दूसरे सबसे बड़े हम प्रोड्यूसर हैं, और सबसे पहला उत्पादक जो है वो चाइना है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन उर्वरकों का कौन करता है, चाइना करता है, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, खरीदने के मामले में भी भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोन्मेषी तरल नैनो उर्वरक यानी लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तरल नैनो उर्वरक की बात हो रही है, लिक्विड फॉर्म में जो आपके उर्वरक हैं उनकी बात हो रही है, तो इनका छिड़काव खेतों में किस प्रकार किया जाएगा, ड्रोन्स के माध्यम से किया जाएगा, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो जो ड्रोन प्रौद्योगिकी है ये जो है काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है, छिड़काव यानी फर्टिलाइजर्स का इनके द्वारा खेतों में किया जाएगा, तो इसी की वजह से या इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना ये स्टार्ट करी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब क्योंकि उर्वरकों की बात हो रही है तो कुछ जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ से काम आ सकती है। जैसे सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर्स का, भारत का स्थान दूसरा है। उपभोक्ता की बात करें यानी सबसे ज्यादा खपत जो है उर्वरकों की कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले चाइना है। भारत उत्पादक के मामले में, उपभोक्ता के मामले में, आयात के मामले में, तीनों ही मामलों में दूसरे स्थान पर है। उपभोक्ता भी चीन सबसे बड़ा है, भारत दूसरे स्थान पर, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता उर्वरकों का कौन है, ब्राजील है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में उर्वरकों के लिए जो एक संस्था है, ठीक है, सबसे बड़ी संस्था उर्वरकों से जुड़ी हुई वो है हमारे यहाँ पे इफको।
और इफको से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। जैसे इफको की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 नवंबर 1967 को ये जो है एस्टेब्लिश हुआ। इफको का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसकी जो है फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इफको ने 2021 में नैनो यूरिया यानी लिक्विड नैनो यूरिया जो है ये लॉन्च किया था। इसके अलावा एक एनबीएस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनबीएस क्या होता है, एनबीएस होता है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो होती है उसको एनबीएस कहा जाता है। 2010 में जो है ये प्रकाश में आई थी, और विशेष रूप से जो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है यानी एनबीएस प्रकार की जो सब्सिडी है ये एनपीकेएस उर्वरकों पर दी जाती है। एनपीकेएस उर्वरक क्या होते हैं, जनरली जो हम अपने खेतों में यूज करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस और सल्फर, ये जो है उर्वरकों की कैटेगरीज है। नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरस वाले उर्वरक, ठीक है, पोटेशियम वाले उर्वरक, सल्फर वाले उर्वरक, इन उर्वरकों पर ही जो है एनबीएस सब्सिडी दी जाती है। एनपीके का रेशियो क्या होता है, इष्टतम, यानी जो एक जनरल रेशियो होता है, सामान्य अनुपात जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, जो सामान्य अनुपात होता है उर्वरकों में वो 4:2:1 होता है। ये पूछा भी गया कई बार, तो इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे, जैसे हम फसलों में जो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि जनरली नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम खेतों में इसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उर्वरकों का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन का जो मुख्य स्रोत है वो किस उर्वरक के अंतर्गत देखा जाता है, तो वो है आपका यूरिया के अंतर्गत, ठीक है। यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की जब आपूर्ति करनी हो फसलों में तो यूरिया का छिड़काव होता है। फॉस्फोरस जो पोषक तत्व है ये डीएपी में होता है, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो गाँव वाले होंगे क्योंकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं उन सबको पता होगा, देते भी होंगे खेतों में डीएपी यूरिया, ठीक है। और पोटेशियम पोषक तत्व जो है ये एमओपी जो उर्वरक है उसमें आता है। एमओपी का मतलब क्या है, म्यूरिएट ऑफ पोटास इसको कहा जाता है। और भारत में जो 3 मूलभूत प्रकार के उर्वरक हैं वो यही है, यूरिया, डीएपी और एमओपी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें बात हुई है क्योंकि किसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, स्वयं सहायता समूह की इसमें बात हुई है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्वयं सहायता समूह की जो मूलभूत अवधारणा थी, इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किया गया अलोयसियस फर्नांडीज के द्वारा, ठीक है। अलोयसियस फर्नांडीज, इनका नाम याद रखेंगे, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को सबसे पहले लोगों से परिचित कराने वाले व्यक्ति अलोयसियस फर्नांडीज थे। आगे देखते हैं, यहाँ से कंप्लीट आपका हो चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2023 में, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। तो चुनावों पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ चीज मैंने लिखी है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। और इसमें आपको ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जानकारी लिखी है, ये आपको थोड़ा सा पता हो तो ठीक है, याद करने की कोशिश कर लीजिएगा अगर हो जाए तो। यहाँ पे आरएस का मतलब राज्यसभा है, एलएस का मतलब लोकसभा है, वीएस का मतलब विधानसभा है। तो इन 5 राज्यों में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है एक ही जगह पर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 90 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मिजोरम में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक एक सीट है, विधानसभा में यहाँ पे 40 सीट है। राजस्थान की बात करेंगे तो राज्यसभा में 10, लोकसभा में 25 और विधानसभा में यहाँ पे 200 सीटें हैं। तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं, जैसे मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको दे दिया और पूछा कि निम्नलिखित राज्यों की जो राज्यसभा की सीट है, वैसे लोकसभा की अगर आप याद भी ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो विधानसभा देख लीजिएगा थोड़ा, और यहाँ से राज्यसभा वाली देख लीजिएगा, ठीक है, इनको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं, तो ये आपकी पूरी हेल्प यहाँ से कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और इन 90 सीटों में से 10 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति यानी एससीज के लिए रिजर्व्ड हैं और 29 सीटें जो है वो एसटीज के लिए आरक्षित हैं। वैसे इसको याद मत कीजिएगा, केवल कुल सीटों की संख्या, विधानसभा चुनाव हुए हैं तो विधानसभा की सीटों की संख्या तो कम से कम आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो चुनाव था ये 20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है संपन्न हुआ, पहले चरण में, दूसरे चरण में 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुआ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जो शुभंकर था, याद रखने की चीज है ये, आप याद रखेंगे, चुनई चिरई, ठीक है, चुनई चिरई जो था छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के लिए शुभंकर था, कुल कितना मतदान यहाँ पे दर्ज किया गया? तो 76.31% जो वोटिंग जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हुई 3 दिसंबर 2023 को, छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के लिए चुनाव के परिणामों को जारी किया गया। किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ से देखेंगे 2023 के चुनावों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यहाँ से याद रखेंगे, 2023 के चुनावों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19 महिलाएं जो है निर्वाचित घोषित की गई हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि महिला विधायकों की जो संख्या है 19 महिला, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का जब गठन हुआ था उसके बाद से सर्वाधिक महिलाएं जो है इस बार के चुनाव में निर्वाचित घोषित हुई। छत्तीसगढ़ के जो सीएम बने हैं विष्णुदेव साय बने, याद रखेंगे, और व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो इनकी विधानसभा का नाम है कुनकुरी विधानसभा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा इनको, क्योंकि अगर रीड कर लेंगे तो पेपर में आएगा तो थोड़ा सा याद आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने कुछ पढ़ा है पहले तो वो चीजें जब हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं चीजें रिकॉल होने लग जाती है, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अरुण साव और विजय शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने, मुख्य रूप से याद रखना है मुख्यमंत्री का नाम। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम थे रमन सिंह, ये जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विधानसभा अध्यक्ष पांचों राज्यों के आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए जनरली हम जहां पे सोचते हैं आयोग वहां से प्रश्न बनाता ही नहीं, हम लोग फोकस कर रहे होंगे किस पे, कि पांच राज्यों के चुनाव हुए, नए सीएम बने तो सीएम के नाम पता होने चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से दे देगा? विधानसभा अध्यक्षों से दे देगा, चार राज्य दे देगा इन पांचों में से कोई, और इस तरीके से बना देगा क्वेश्चन, मान करके चलिए कि निम्न में से किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सुमेलित नहीं है, मतलब नाम दे दिए, राज्य का नाम दे दिया, विधानसभा अध्यक्षों का नाम दे दिया, आपसे दिए कि मैच कौन सा नहीं हो रहा है, या मैचिंग करने के लिए दे दिया जाए, है ना, तो इस तरीके के प्रश्न जो है यहाँ से आपके लिए बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, विधानसभा के अध्यक्षों को भी थोड़ा देख लीजिएगा और आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको देख लीजिएगा। डिप्टी सीएम के नाम विशेष रूप से ना याद रख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, विधानसभा की कुल सीटें एमपी में 230, 35 सीटें इसमें एससी के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 17 नवंबर 2023 को यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ है, कुल कितनी वोटिंग यहाँ पे हुई है? 77.15%, ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को। इसके भी जो है विधानसभा के जो चुनाव है उसके नतीजे घोषित किए गए। 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन जो है इन चुनावों के बाद में किया गया। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में 27 महिला विधायक जो है वो निर्वाचित घोषित की गई। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं और इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था उज्जैन साउथ, ठीक है, उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष फिर से मैं एक बार आपको ध्यान दिलाऊंगा, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये आप छोड़ दीजिएगा कि कितनी सीटें किसको मिली हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर यही चीज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होती तो थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता, ठीक है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, यहाँ पे कुल 40 सीटें विधानसभा की और 40 सीटों में से 39 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में कुल जो मतदान हुआ वो 80.66% हुआ और 9वीं मिजोरम की ये विधानसभा है जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो 4 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। यहाँ पे जो बहुमत प्राप्त किया मिजोरम में वो किया जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने, ठीक है, जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, ठीक है, 27 सीटें जो है 40 में से जेडपीएम ने जीती। और यहां से दो तीन चीजें आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुमत प्राप्त किया वो जेडपीएम ने प्राप्त किया है और जेडपीएम जो है 2023 के चुनावों में पहली बार जो है एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में इसने हिस्सा लिया जोरम पीपुल्स मूवमेंट में। 2019 में जेडपीएम को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है, रीजनल पार्टी के रूप में इसको जो है मान्यता प्रदान की गई थी। 9वीं मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए कुल जो महिलाओं की संख्या है जो निर्वाचित हुई है वो 3 है। वर्ष 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद से पहला अवसर है जब एक से ज्यादा महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य के रूप में या विधायक के रूप में हुआ है, तो 3 इस बार हुई है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज है याद रखने वाली वो है कि जेडपीएम पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी,
ये किसकी पार्टी है? तो ये लाल दोहोमा की पार्टी है, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने शपथ जो है ग्रहण करी है। लगभग 40 वर्षों में यह पहला मौका है जब मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। नहीं तो यही दोनों पार्टियों से जो है मुख्यमंत्री रहे हैं लास्ट 40 ईयर्स में। पहला मौका है चैटबीएम पार्टी के लाल दोहोमा जो है मिजोरम के CM बने। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मिनिस्टर का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी है। लाल रिन पुई जो, ठीक है, पहली महिला कैबिनेट मंत्री है, याद रखेंगे। अब क्योंकि ZBM पार्टी की बात हो रही है, ठीक है, पहली बार इसका कोई व्यक्ति CM बना है लाल दोहोमा, तो लाल दोहोमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पूर्व IPS अधिकारी रहे, ठीक है, मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री व्यक्ति के संदर्भ में जो इन्होंने शपथ ग्रहण की है। इनकी विधानसभा का नाम क्या था जहां से ये विधायक निर्वाचित हुए? तो सिरछिप इनकी विधानसभा का नाम। इसके साथ साथ ये जो है IPS अधिकारी के पद पर रही है, आपको पता ही है, और IPS अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में पहली बार इनको चुना गया था, और 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद थे। ये जो है थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, इसके तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद कौन थे? तो आपके लाल दोहोमा थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से 34 सीटें SC के लिए, 25 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। राज्य में जो वोटिंग हुई वो 25 नवंबर 2023 को हुई। कुल 74.62% जो है मतदान दर्ज किया गया। मैं जहां पे नहीं बोल रहा हूं तो वहां पर केवल पढ़ना है, दिमाग पर लोड नहीं लेना है कि भाई मतदान किस तिथि को संपन्न हुआ, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर विशेष रूप से, और मैं ये जो इसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने जब क्लास स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बताई कि मैगजीन को आए हुए टाइम हो गया, ठीक है, अभी आपके पास PCS प्रीलिम्स के लिए लगभग 1 महीना है। मैगजीन आए हुए क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि बीच में जो RO का पेपर आया था इस वजह से इन्होंने इस बार जो मैगजीन है वो थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया, तो मैगजीन आए हुए टाइम हो गया। तो मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप में से जो ज्यादा गंभीर विद्यार्थी होंगे, ठीक है, जो सीरियस टाइप के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने कम से कम एक रीडिंग इसकी अब तक कर ली होगी, आराम से कर ली होगी, क्योंकि जितने भी लोग आपके UPPCS की तैयारी कर रहे हैं या UPPCS का प्रीलिम्स देंगे 17 मार्च को, उन सभी ने, उसमें से ज्यादातर लोगों ने RO या RO की परीक्षा दी होगी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मतलब चूरन की तरह इधर उधर बिखरती हुई नजर आई जिसके पर्चे, जो कि अपने आप में काफी निराशाजनक और शर्मनाक बात है। तो जितने भी लोगों UPPCS प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो RO ARO का एग्जाम भी दिए होंगे, तो RO ARO का एग्जाम देने से पहले उन्होंने एक बार कम से कम इसको रीड कर लिया होगा। तो अभी आप इसको देख रहे हैं तो केवल इसको रिवीजन के तौर पे लें। हाँ, बाकी का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ या कुछ जो रिलेवेंट चीज़ें उनके बारे में बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा देखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 सीटें हैं राजस्थान में, ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ है, 74.62% मतदान हुआ है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के स्थित करणपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह क्रूनर के निधन के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। यानी 200 सीटें थी और 200 सीटों में से जो चुनाव हुए हैं वो 199 सीटों पे हुए, एक जो सीट है उस पर चुनाव नहीं हुआ। फिर 8 जनवरी 2024 को इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव जो है वो हुआ, उसका परिणाम घोषित किया गया। तो इस सीट पर रुपिंदर सिंह कूनर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है, इनको विजयी घोषित किया गया। ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। 2023 के चुनाव में 20 महिलाएं निर्वाचित की गई। 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिए। इनकी विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, सांगानेर विधानसभा, यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए हैं। पहला मौका है जब श्री शर्मा जी जो है विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, पहली बारी विधायक बने हैं, पहली बारी जो है CM बन गए, किस्मत हो तो ऐसी। और यहाँ पर आप लोग RO नहीं बन पा रहे हैं, PCS प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, बड़ी समस्या है, देखिए किसी किसी की कैसी किस्मत होती है। पहली बार विधायक चुने गए और सोने पे सुहागा हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, और विधानसभा के अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखेंगे, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का नाम है वासुदेव देवा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बारे में। तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 119 है, जिसमें से 19 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए, 12 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व्ड है।
मतदान कब हुआ? 30 नवंबर 2023 को कुल मतदान कितना हुआ? 71.34% यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर जो है बहुमत प्राप्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में कुल 119 सीटों में से कितनी सीटें जीती हैं? 64 सीटें जीती हैं और कुल मतों का कितने प्रतिशत इन्होंने प्राप्त किया है? 53.78%। 2023 के चुनाव में राज्य में लगभग 8% महिला विधायक निर्वाचित हुए हैं, जिनकी संख्या 10 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमला रेवंत रेड्डी ये जो है तेलंगाना के नए सीएम बने हैं। नाम याद रखेंगे, अनुमला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। और यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो है मल्लू भट्टी विक्रमार्क, ये तेलंगाना के डिप्टी सीएम बने हैं। और अनुमला रेवंत रेड्डी जो है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? कोडंगल विधानसभा क्षेत्र था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 370 था, इसके तहत जम्मू और कश्मीर को क्या दिया गया था? एक स्पेशल दर्जा, विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। और इस प्रावधान को 1949 में अस्थाई प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। तो एक जानकारी तो आपको यहां से ही होगी, यानी जो आर्टिकल 370 वाला जो प्रावधान था, इसको एक अस्थाई प्रावधान के रूप में संविधान में कब जोड़ा गया था? 1949 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 के साथ में 35A आर्टिकल की भी बात होती है। तो जो आर्टिकल 35A है ये कहां से निकला है? ये आर्टिकल 370 से ही इसका जो है कह सकते हैं निकास हुआ है। ये वर्ष 1954 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था, यानी कौन जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी होगा, कौन जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जो विधायिका है वो इस चीज को इसके आधार पर परिभाषित करती थी। अगस्त 2019 में, क्योंकि पिछला घटनाक्रम चल रहा है उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा पहले प्राप्त था उसको समाप्त करने की मंजूरी प्रदान करी। आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर लद्दाख को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। ये पिछली जो चीजें हैं, क्योंकि एक भूमिका जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। 2019 का घटनाक्रम है, ये सभी आपने पढ़ा होगा पहले। अब 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा जो संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने का निर्णय सरकार ने किया था उसको वैधता प्रदान की। मतलब 5 जजों की पीठ के द्वारा ये फैसला लिया गया 5-0 से। मतलब सभी लोग इसके पक्ष में थे कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त करने का निर्णय जो सरकार ने लिया वो बिल्कुल कैसा है? वैध है। अब यहां से जरूरी चीज क्या हो जाती है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो 5 जजों की पीठ थी उसमें कौन कौन से जज शामिल थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, डीवाई चंद्रचूड़, ये इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा जो 4 अन्य जजेस थे उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर बात करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में कोई भी आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 370 निरस्त हो चुका है तो अब जम्मू और कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि अब जैसे आप पहले पढ़ते होंगे पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते थे तो कोई भी कानून होता था या कोई भी नियम होता था तो उसमें एक लाइन जोड़ दी जाती थी, जो आपने पढ़ी भी होगी, कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में, ये नियम जो है कोई भी नियम है तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर के शेष भारत में। तो अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो जो संविधान था जम्मू कश्मीर का, अलग से अपना संविधान, अलग से अपना जो नियम चल रहे थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। भारत का संविधान जो है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और वर्ष 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश जो है यहाँ पे जारी कर दिया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के ऊपर बात करते हैं। 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के आरक्षण से संबंधित जो संशोधन विधेयक है 2023 में वो पारित किया। तो दोनों जो
विधेयक हैं, दोनों विधेयकों पर अलग अलग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आरक्षण संशोधन विधेयक पर। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 वाला जो था उसकी धारा 2 में संशोधन करना। याद रखेंगे आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो पुराने यानी जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 वाला जो अधिनियम था उसकी धारा 2 में संशोधन करेगा। कौन सा वाला विधेयक? जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। पारित जो विधेयक है इसमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो वहां के कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग था उसको अब ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से उसको जो है रिप्लेस किया जाएगा। ये शब्द अब यूज नहीं किया जाएगा कमजोर और वंचित वर्ग, अब इसके स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो यूज किया जाएगा। धारा 2 में संशोधन किया गया, याद रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अवधि 2023, ये विधेयक जो है 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। प्रश्न यहां से किस तरीके से बनता है, जैसे हम भी आरक्षण संशोधन विधेयक की बात कर रहे थे, 2023 का आरक्षण संशोधन विधेयक है, ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा या किस विधेयक में संशोधन करेगा? 2004 वाले में संशोधन करेगा। और 2023 वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो है ये 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें से एक महिला सदस्य हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। यानी जो पीओके है, पार्क ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर है, ठीक है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उसको कहा जाता है, उससे विस्थापित व्यक्तियों में से किसी एक सदस्य को उपराज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभा में नामित करने का प्रावधान जो है इस संशोधन विधेयक में किया गया है। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ा करके 114 करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। और इसमें से 7 सीटें जो होंगी वो एससी के लिए और 9 सीटें जो होंगी वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रहेंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें कितनी है? 83 है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 थी, इनको बढ़ाकर के 14 करने का प्रस्ताव किया है 7, और यहाँ पर अतिरिक्त सीटों की बात हो रही है। विधानसभा की वास्तविक जो सीटें हैं वो 83 हैं, तो इसमें भी जो है 7 ऐड कर देंगे। यहाँ पे इनको 90 करने का प्रावधान जो है इस संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया। इनमें से यानी 90 सीटों की बात हम कर रहे हैं, तो 90 सीटों में से 43 सीटें जो होंगी वो जम्मू में होंगी और 47 सीटें जो होंगी वो कश्मीर में होंगी। इस प्रकार से दोनों मिलाकर के 90 हो जाएंगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई, ठीक है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, 18 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 1/3। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद में संचालित होने वाली जनगणना के बाद में प्रभावी किए जाएंगे, यानी अभी ये प्रभावी नहीं है। इस पर जो है निर्णय ले लिया गया है, डिसीजन ले लिया गया है, प्रभावी ये होगा कब? कब से प्रभावी होगा? विधेयक के जब कोई भी बिल है वो पास हो गया राज्यसभा लोकसभा से, राष्ट्रपति की सहमति उसको मिलेगी, फिर वो एक कानून बनेगा, और जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद में जो है इसको प्रभावी किया जाएगा। मेरा युवा भारत, इसके बारे में बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार पटेल की जयंती होती है इस दिन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से, ठीक है। मैंने लिख दिया जगह जगह पे, ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2014 से स्टार्ट हुआ है। तो 31 अक्टूबर 2023 को इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए माई भारत मंच का शुभारंभ किया है। माई भारत का ही पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत, एम फॉर मेरा, वाई फॉर युवा, और भारत उसमें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं माई भारत यानी मेरा युवा भारत। ये मंच जो है 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर स्टार्ट किया गया है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। मेरा युवा भारत ये जो है किसके लिए प्रदान किया गया, मतलब किसके लिए मंच जो है स्थापित किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? तो ये देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, और स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ थी तब से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक की जो अवधि है यानी जो 25 साल है, इनको क्या कहा गया है? अमृत काल कहा गया है।
ठीक है, जो कि आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जैसे न्यूज वगैरह देखते होंगे तो सुनते ही होंगे, अमृतकाल चल रहा है। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ने का जो है विजन लेकर के भारत सरकार चल रही है, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ग्रामीण युवा हैं, शहरी युवा हैं, ठीक है, तो इन सभी युवाओं को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नए स्वायत्त शासी निकाय जिसका नाम है मेरा युवा भारत, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय जो है लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा युवा भारत मंच जो है ये राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की यानी यूथ की परिभाषा के अनुरूप किस आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा, ये महत्वपूर्ण है। 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में जो भी युवा आएंगे इनको इस युवा भारत मंच के अंतर्गत युवा की परिभाषा में रखा गया है। मतलब इस मंच के आधार पर युवा किन को कहा गया, जिनकी आयु 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में है। लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी जो होंगे वो 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग होंगे, किशोरों की कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष, ठीक है, इनको भी यहाँ से लाभ मिलेगा। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है, ठीक है, फिजिटल का मतलब क्या है, फिजिकल और डिजिटल दोनों का ही संयुक्त रूप है जिसको फिजिटल कह दिया गया है इसमें, ठीक है, तो इसमें भौतिक गतिविधि के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर जो है वो युवाओं को मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि एक विशेष आयु वर्ग की बात हो रही है, मेरा युवा भारत मंच जो है इसमें युवा की संज्ञा किसको दी गई है, जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के बीच में है, तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो ये भी आप याद रखें, काफी बार पूछा गया है, तो 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु तक की जो जनसंख्या है उसको हम बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, ये भी आप याद रखें, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन, आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया, आपको पता ही है, और 75 वर्ष जो 75वीं वर्षगांठ है तब से लेकर के आने वाली 100वीं वर्षगांठ के बीच के जो 25 वर्ष हैं इनको अमृत काल कहा गया, ये भी आपको पता है। तो आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके दौरान प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे दोनों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनको मुगल शासक औरंगजेब ने जो है जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, तो उनकी शहादत की याद में जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये तीनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा जो है वो की गई। तो 3 दिवस हो गए आपके, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस, और 14 अगस्त को, क्योंकि आपको पता है पार्टीशन हुआ था, भारत से अलग होकर के पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना था, तो इस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा जो है आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के दौरान जो है की गई। अब यहां से 3 चीजें आपके लिए स्टैटिक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस ये किससे रिलेटेड है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आगे पहले से ही ऐड कर रखी है, ठीक है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की बात हो रही है, तो इनकी तो क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चे थे उस टाइम पर, बहुत कम उम्र थी, 9 वर्ष और 7 वर्ष की इनकी आयु थी, और उसी समय पर इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। इनके पिताजी जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो वो जो जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने इसमें आगे ऐड कर रखी हैं, तो वीडियो में बने रहना। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत जो हुई थी वो 12 मार्च 2021 को हुई थी, और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो राज्य थे उनको पुरस्कृत किया गया था। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन से, पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से जो है इसमें आए हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे जनजातीय गौरव दिवस की, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, झारखंड के खूंटी जिले के
उली हातू गांव, ठीक, झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट के उली हातू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पॉलिटिकल जो गुरु थे वो कौन थे? आनंद पांडे इनके राजनीतिक गुरु थे। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह काफी बार पूछा गया, 1899-1900 के अवधि में मुंडा विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, ये काश्तकारी अधिनियम जब आया था 1908 में, इसके आने में यार इसके या अधिनियम के बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो बिरसा मुंडा के आंदोलन की थी। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये किससे संबंधित है? ये है जो भूमि होती थी पहले अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, जो भूमि थी जिन पर किसका हक था यहाँ पर या इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी थे, मुंडा वगैरह थे, इनकी भूमि थी और इनकी भूमि को जबरदस्ती गैर आदिवासी लोगों के लिए दिया जा रहा था, ट्रांसफर किया जा रहा था, ठीक है। तो आदिवासी लोगों की जो जमीनें थी, आदिवासी लोगों की जो भूमि थी, उसको गैर आदिवासी लोगों को ट्रांसफर करने से प्रतिबंध लगाया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात हो रही थी, फतेह सिंह जोरावर सिंह जी के बारे में बात हो रही थी। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें करी या कहाँ कहाँ से जो है गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछी जा सकती है या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पगड़ी पहनने की जो शुरुआत, भले बाल होते थे सिखों की, तो पगड़ी पहनने की एक जो प्रथा थी या शुरुआत थी वो विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टार्ट करी गई। पंच सिद्धांत इन्होंने दिए, इनको 5K के नाम से आप याद रख सकते हैं, 5K, पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत 5K मतलब केश, कड़ा, कंघा, कक्ष और कृपाण, ठीक है। ये 5 चीजें जो है सिखों के लिए अनिवार्य कर दी थी। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने अगला गुरु बताया, मतलब गुरु परंपरा जो चली आ रही थी पहले से वो समाप्त हो गई, तो सभी गुरुओं की जो वाणी थी या उनकी जो भी मैसेजेस थे या उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थी। गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगले गुरु के रूप में मान्यता इन्होंने प्रदान करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1705 में मुक्तसर की लड़ाई हुई, 1704 में आनंदपुर की लड़ाई हुई, दोनों लड़ाई गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, ठीक है। मुक्तसर की लड़ाई और जो आनंदपुर की लड़ाई थी मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ी थी 1704 और 5 में, याद रखेंगे। इनको कुछ उपाधियां भी दी जाती हैं जैसे सरवंशदानी, मर्द अगमरा, शाह ए शहंशाह भी इनको कहा जाता है। इनकी आत्मकथा को विचित्र कथा के नाम से जाना जाता है, विचित्र कथा, याद रखेंगे। साहित्यिक योगदान की अगर इसकी हम बात करें तो इन्होंने जाप साहिब, बेंती चौपाई और अमृत सवैये जो है ये रचनाएं लिखी। जफरनामा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो कृति है जफरनामा, ये जफरनामा क्या था, ये औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, ये आप यहाँ से याद रखें, ठीक है। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। अभी हम बात कर रहे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में हमने पता किया, जम्मू कश्मीर ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसमें। और मंत्रालयों की अगर बात करें अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष 3 मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसमें सबसे पहले स्थान पर है आपका केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, क्रमशः पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। 31 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास किया, ये भी आप याद रखें। अब इसमें एक टर्म आया, मेरी माटी मेरा देश, ये क्या है? मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किया गया। और अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव का जो समापन कार्यक्रम था इसी को मेरी माटी मेरा देश नाम दिया गया था। आयोजन कब हुआ इसका? 9 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और किसके द्वारा जो है ये आयोजन किया गया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसके साथ साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। इस अभियान की जो टैगलाइन थी ये आप याद रखेंगे, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ये जो है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की टैगलाइन थी। नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्सेस स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पहली ट्रेन है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यानी दिल्ली से स्टार्ट होगी, मेरठ तक जाएगी वाया गाजियाबाद। तो RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड जो पहला खंड है उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके साथ ही इन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन, ये जो है राष्ट्र को समर्पित की है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इसी के साथ भारत में
क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली जो आरआरटीएस आपको नजर आ रहा है, आरआरटीएस का ही मतलब है क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका भी शुभारंभ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आरआरटीएस का विकास किया गया है, यानी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया है। आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स यानी रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। आरआरटीएस क्या है, जो क्षेत्रीय यानी रीजनल नोड्स हैं, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं नोड्स का मतलब है जो एक आवागमन के प्रमुख स्थान है, बिंदु है, उनको जोड़ने वाली रीजनल जो स्थान है उनको जोड़ने वाली एक जो है नई रेल आधारित प्रणाली है जिसको आरआरटीएस का नाम दिया गया है। आरआरटीएस जो है ये मेट्रो रेल सेवा से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि जो आरआरटीएस है इसको लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। जैसे मेट्रो होती है वो बहुत लंबी दूरी की यात्रा नहीं करती है, किसी जैसे शहर में मेट्रो रेल है तो वो शहर तक ही सीमित रहती है, लेकिन आरआरटीएस के मामले में ऐसा नहीं है, ये लंबी दूरी की यात्रा भी करेगी। आरआरटीएस की गति जो है वो मेट्रो रेल से लगभग 3 गुना ज्यादा होगी, और मेट्रो में जैसे आपने सफर किया होगा तो आपको पता होगा कि मेट्रो में ठहराव या स्टॉपेज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आरआरटीएस क्योंकि इसका नाम ही है रैपिड रेल सर्विस, तो इसमें जो स्टॉपेज होंगे वो बहुत कम होंगे, ठहराव बहुत कम होंगे। ठीक है, आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे से अलग है क्योंकि एक समर्पित पथ पर उच्च गति के साथ में विश्वसनीय और हाई फ्रिक्वेंसी वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा को सुगम बनाने का काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 आरआरटीएस गलियारों के विकास की सिफारिश की गई थी। यानी जो 8 कॉरिडोर बनाए गए हैं, 8 गलियारे बनाए गए हैं, उनके नाम आप यहाँ से देखें, याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसी पर जो है, इस पर तो जो है हरी झंडी दिखा दी गई है, पहली रैपिड रेल सेवा जो है स्टार्ट यहाँ पे कर दी गई है। इसके अलावा कुल कितने गलियारे जो है इनकी घोषणा की गई थी, तो 8 थे, 8 में से पहला वाला अभी आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ यहाँ पे चालू हो गई है। दिल्ली गुरुग्राम एनसीबी अलवर, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से पलवल, कहाँ कहाँ होकर के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ होकर के, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से रोहतक बहादुरगढ़ होते हुए, गाजियाबाद से हापुड़ और दिल्ली से बड़ौत शाहदरा होते हुए, ये जो है 8 गलियारे प्रस्तावित हैं। 20 अक्टूबर ये हमने यहाँ पे ये तो कवर कर लिया है। ठीक है, तो पहले वाले गलियारे की हम बात कर रहे थे, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा, आरआरटीएस गलियारा, इसकी लंबाई जो है वो कितनी रहेगी, 82.15 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी, और भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन स्पीड जो रहेगी वो 180 किलोमीटर पर आर रहेगी। ठीक है, आरआरटीएस की संचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। अब यहाँ पर एनसीआर का नाम आया है, तो एनसीआर से जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं। एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले जो है एनसीआर में आते हैं। यूपी के कौन कौन से, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, हापुड़ हो गया, शामली और मुजफ्फरनगर, ये 8 जिले यूपी के ऐसे हैं जो एनसीआर में आते हैं, और इनका जो टोटल एरिया है वो लगभग 14,826 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। नेशनल कैपिटल रीजन की जो एक कॉन्सेप्ट था ये 1985 में आया था, और इसमें कितने स्टेट शामिल हैं। ठीक है, अभी हम जिलों की बात कर रहे थे क्योंकि जिले तो इसमें बहुत सारे होंगे और हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपी के जिले कौन कौन से एनसीआर में वो हमको यहाँ से पता होना चाहिए। नेशनल कैपिटल रीजन में स्टेट कितने हैं, कितने स्टेट्स के जिले जो है इसमें शामिल हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो दिल्ली तो है ही है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो यूपी के इसमें कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, हमने ऊपर बात की, राजस्थान के 2 जिले हैं इसमें, अलवर और भरतपुर, और हरियाणा के 14 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के दिल्ली के 11 जिले और यूपी राजस्थान हरियाणा के जिलों को मिलाकर के इसका जो पूरा एरिया है 55,083 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पर जब एनसीआर की हम बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि दिल्ली यानी जो सेंटर है उस सेंटर के 100 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया होगा उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने पर जो है विशेष रूप से यहाँ पर जोर दिया जाएगा। 100 किलोमीटर की परिधि में जितने भी क्षेत्र आएंगे, जितने भी जिले आएंगे, उनका जो है डेवलपमेंट यहाँ पे विशेष रूप से किया जाएगा। गांगेय डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, इसको घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली की बात करेंगे तो इसका नाम है मोए या चीतल। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका चितला चितला है, ये भी याद रखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं गांगेय डॉल्फिन की, इसको उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। गांगेय डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लैटनेस्टा गैंगेटिका।
और गंगे डॉल्फिन जो है विश्व में मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली चार डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। यानी विश्व में जो मीठे पानी में डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रमुख रूप से चार प्रजातियां हैं। तो एक प्रजाति तो ये हो गई आपकी गंगे डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है। इसके अलावा जो तीन अन्य हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी पाई जाती है चीन की यांगजी नदी में, और एक पाई जाती है आपकी बैजी डॉल्फिन। ठीक है, बैजी डॉल्फिन जो है चीन की यांगजी नदी में पाई जाती है। सिंधु नदी में पाई जाने वाली जो प्रजाति है डॉल्फिन की वो है भूलन डॉल्फिन। ठीक है, अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन। ये जो है अलग अलग डॉल्फिन के नाम है जो अलग अलग नदियों में पाई जाती हैं। 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, याद रखेंगे। गंगा नदी की डॉल्फिन जो है इसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये केवल मीठे पानी में रह सकती है। खास बात यह है कि स्तनधारी अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, लेकिन ये अपनी उत्कृष्ट इलोकेशन इलोकेशन यानी ध्वनि उत्सर्जित करने की और परावर्तित ध्वनि को सुन करके जो चीजें होती हैं उनको पता लगाने की इनकी जो क्षमता होती है उसके कारण इनको उत्कृष्ट शिकारी की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जीव जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ से एक दो तीन चीजें और याद रखिएगा। जैसे अल्ट्रासोनिक की हम बात कर रहे हैं तो अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, और इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम। और हम जो ध्वनि तरंगों को महसूस कर पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगें होती हैं। ना तो हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगों को महसूस कर सकते हैं, ना 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। महत्वपूर्ण है, 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। 2019 में पंजाब के द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय पशु घोषित किया। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली अभी आपको मैंने बताई है, चितला है, साइंटिफिक नेम इसका चितला चितला है। देसी मांगुर मछली जो है ये बिहार की राज्य मछली है। यहाँ पर नाम आता है IUCN का। IUCN की एक रेड डाटा बुक होती है, लाल सूची वाली किताब होती है। इसमें गंगा नदी डॉल्फिन को संकट ग्रस्त यानी एंडेजर्ड जो श्रेणी है उसमें क्लासीफाई किया है, वर्गीकृत किया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो इसकी जो पहली अनुसूची है इसमें इसकी जो पहली अनुसूची है इसमें उन जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिनका वर्तमान जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं है, उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको शेड्यूल 1 में डाला जाता है। ठीक, इसके अलावा इन्हें साइट्स के अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स का मतलब क्या है? साइट्स का पूर्ण रूप भी आप यहाँ से याद रखेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके बाद में आता है आपका घोल मछली। ठीक है, घोल मछली जो है ये गुजरात की राज्य मछली जो है इसको घोषित किया गया है 21 नवंबर 2023 को। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डेज जो है मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य ने घोल मछली को अपने राज्य की राज्य मछली घोषित किया है। घोल मछली का जो साइंटिफिक नाम होता है वो है प्रोटोनीबिया डाइकेंथस। ठीक है, नाम याद रखेंगे, प्रोटोनीबिया डाइकेंथस, और ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक मानी जाती है। सुनहरे भूरे रंग वाली ये मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये बिहार में है। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये बिहार में है, और ये क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवास के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ये बिहार के भागलपुर जिले में है। अब यहां पर कुछ टर्म आए थे जो करंट अफेयर्स हम अभी देख रहे थे। IUCN का नाम आया इसमें, रेड डाटा लिस्ट का नाम आया। ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं और इनसे जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? IUCN की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, संगठन है नेचर के कंजर्वेशन के लिए, नेचर के संरक्षण के लिए। इसकी स्थापना हुई थी
1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। इसमें जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं पौधों की, जीवों की, उनको 9 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 9 श्रेणियों में। रेड डाटा लिस्ट में वर्तमान समय में बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा है, लगभग 157,190 प्रजातियां हैं जिसका नाम रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। और इन 157,190 प्रजातियों में से 44,016 प्रजातियां ऐसी हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अभी दिसंबर 2023 की ये न्यूज़ है, एक मछली का नाम है अटलांटिक सैल्मन, ये जो है बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है। ये मछली का एक नाम है अटलांटिक सैल्मन, याद रखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर बेसिन में ये पाई जाती है विशेष रूप से, और इसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। और ये एक ऐसी मछली है जो ताजे और खारे दोनों पानी में निवास करती है। ठीक है, भारत में हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी, और यहाँ पर नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों को संरक्षण देने से संबंधित है ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। नदी और समुद्री दोनों प्रकार की जो डॉल्फिन है उन दोनों डॉल्फिन का संरक्षण जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद में आती है आपकी अग्नि पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ये अग्नि का ही पूर्ण रूप है, ए फॉर आयुर्वेद, जी फॉर ज्ञान, एन फॉर नैपुण्य, और पहल का मतलब है इनिशिएटिव। तो अग्नि पहल जो है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नीचे आते हैं, नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो कि नई दिल्ली में है, इसने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया है। तो ये जो अग्नि पहल है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? CCRAS के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया वो यहाँ पे देखेंगे। ये पहल जो है आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम करेगा। और ये जो पहल है ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बीच में साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने का काम करेगी। भारत में 5 लाख से ज्यादा पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी और भारत की भेषज संहिता यानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में जो चीजें लिखी हुई हैं, आयुर्वेद फॉर्मुलेशन है, उसके आधार पर चिकित्सा करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य, भारतीय भेषज संहिता यानी इंडियन फार्माकोपिया, इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और भारतीय भेषज संहिता को भारत में किस लिए जाना जाता है? ये इसको जाना जाता है भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली, मार्केटिंग की जाने वाली या बनाई जाने वाली जो दवाएं हैं उनके मानकों की एक आधिकारिक पुस्तक के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। यानी कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवाई है, वो किस तरीके से बनाई जानी है, उसमें जो भी इंग्रीडियंट मिलाए जाते हैं उनके मानक क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें जो है इसमें दी रखी होती हैं। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। और ये जो बैठक थी ये अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित PDG की पहली बैठक थी। यानी अब तक जो PDG की बैठकें थी वो अमेरिका, यूरोप और जापान में होती रही हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर पहली बार जो है भारत में या किसी अन्य स्थान पर ये जो है आयोजित की गई पहली बैठक है, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। और 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली पहली बैठक थी, मतलब सभी लोग जो है यहाँ पर फिजिकल रूप में उपस्थित थे, क्योंकि कोरोना वोरोना के कारण बहुत सारी मीटिंग्स थी और बहुत सारी सारी चीज़ें थी जो है वो वर्चुअल फॉर्म में ही होती रही थी। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को PDG के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। PDG के सदस्यों में IPC के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया और अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल हैं। इसी वजह से अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी बैठक कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में हुई है। और इससे पहले ये बैठक कहाँ कहाँ पे, आपका यूरोप में, जापान में, अमेरिका में, वहीं पर इनकी बैठकें होती रही थी। इन तीनों स्थानों के अलावा पहली बार जो है किसी अन्य स्थान पर ये बैठक हुई है भारत में, हैदराबाद में। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समूह में एक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर WHO का नाम आया है, तो आप याद रखेंगे कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है।
समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तेलंगाना में की जा रही है, याद रखेंगे। 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। और ये जो विधेयक होगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा, उसमें संशोधन करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। ठीक है, यह संशोधन समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा। और ये विश्वविद्यालय, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के किस जिले में ये स्थापित किया जाएगा? मुलुगु जिले में। 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा और 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। थोड़ा इसके बारे में यहां से देखते हैं। समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इसे समक्का सरलम्मा जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला जो है इसको मान्यता प्राप्त है, समक्का सरक्का जठारा मेले को। ठीक है, इस मेले का आयोजन जो होता है वो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय जिसका नाम है कोया जनजाति, कोया जनजाति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है हर 2 वर्ष पर। द्विवार्षिक मेला है और तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवाई मंडल में मेदारा गांव में जो है इसको आयोजित करते हैं। यह मेला देवी समक्का और सरलम्मा, जिनको सरक्का भी कहा जाता है, इनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और समक्का और सरक्का के नाम पर ही जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये जो दोनों समक्का और सरक्का थे, ये दोनों माँ बेटी थी और माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जो जनजातीय लोग थे, यहाँ के स्थानीय जनजातीय लोग थे, इन पर टैक्स लगा दिया गया था और उस टैक्स का विरोध करने का काम जो है समक्का सरक्का के द्वारा किया गया था। समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया, स्टेट फेस्टिवल के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे देखते हैं ट्रेवल फॉर लाइफ। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है और इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही को प्रेरित करना। इसमें जो टर्म आ रहा है लाइफ, ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ को सबसे पहले 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन के सत्र के दौरान यानी COP26 के दौरान जो है इसको प्रस्तावित किया गया था। 20 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहां से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये मिशन लाइफ याद रखेंगे, मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ से हुआ? शुभारंभ हुआ इसका गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। और इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक भारत में, ठीक है, न्यूनतम 80% गांव और जो स्थानीय शहरी निकाय हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाना है 2028 तक। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रैवल फॉर लाइफ की, तो 27 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 27 सितंबर को। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को किसकी भागीदारी में प्रारंभ किया गया है? तो कुछ मंत्रालय हैं, जैसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNOP, ये तीन जो है संस्थानों की भागीदारी में इसको जो है स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, इसके साथ अभिसरण में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय, ठीक है, इसमें 8 विषय जो है निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें जो है आप यहां से देखेंगे ऊर्जा की बचत, एनर्जी से जुड़ा हुआ एक जो है इसमें विषय है, जल की बचत से जुड़ा हुआ है सेव वाटर, इसके अलावा जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसका बहिष्कार, इसके अलावा जो वेस्ट होता है अपशिष्ट होता है उसको कम करना,
पांचवा इसका लक्ष्य है आपका स्थानीय व्यवसाय और समुदाय जो है वो सशक्तिकरण उनको किया जाए, उनको ठीक है एम्पावर किया जाए और स्थानीय जो संस्कृति है या हमारी जो स्थानीय धरोहर है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, स्थानीय खाद्य पदार्थों के सेवन पर जोर दिया जाए और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाए। ये आठ जो है इसके उद्देश्य है। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्टार्ट किया गया है, एक है स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक है, स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। अब इसी से जुड़ी हुई चीज है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। इसी दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसके तहत कुल 35 विलेजेस को जो है पुरस्कृत किया गया। 5 गांवों को स्वर्ण दिया गया, 10 गांवों को रजत और 20 गांवों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। तो गोल्ड श्रेणी में जिन गांवों को पुरस्कृत किया गया है उनके नाम आप यहां पे देखेंगे तो इसमें पहला है दावर, ठीक है दावर गांव है ये बांदीपुरा जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का सरमोली गांव, मिजोरम की ममित जिले का ढेईएक गांव, केरल के इडुक्की जिले का कंथालूर गांव और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का मडला गांव। ठीक है, तो ये गोल्ड श्रेणी के हैं, बाकी सिल्वर और कांस्य वगैरह अगर याद ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 गांवों के नाम आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांवों में उत्तर प्रदेश का कोरोना ग्राम शामिल है, यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी, जैसे टॉप 5 की या टॉप 10 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव जो है वो गोल्ड श्रेणी में पुरस्कृत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश के कोरोना ग्राम को रजत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी है। अब इसमें कुछ टर्म यूज हुए हैं जैसे UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसका पूर्ण रूप होता है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो UNFCCC है ये 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का जो पेरिस समझौता था उसकी एक मूल संधि के रूप में UNFCCC को जाना जाता है। इसका सचिवालय बॉन में है, जर्मनी में। ठीक है, इसके अलावा UNWTO इसका भी जिक्र यहाँ पे हुआ था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। UNWTO इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर इसका स्पेन में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। विश्व पर्यटन दिवस जिसका आपको पता ही है कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो 2023 में जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी ये आपको पता होनी चाहिए, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये इसकी थीम है विश्व पर्यटन दिवस की। इसके बाद में बात करते हैं भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में। 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL इसके द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादकों को बढ़ावा देना, ये जो है इसका थीम था, विषय था। इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है 8 नवंबर को। NCOL जो है इसके द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत ऑर्गेनिक प्लांट्स के 6 उत्पादों को जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली ये है कि जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है नई दिल्ली की, इसकी द्वारा जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना और इस संगोष्ठी के मौके पर अमित शाह के द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के कितने उत्पादों को जो है लॉन्च किया गया, जारी किया गया, तो 6 उत्पादों को लॉन्च किया गया। ठीक है, 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के साथ में सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में बात करते हैं एकात्मता की मूर्ति, ये शंकराचार्य से रिलेटेड है और शंकराचार्य के बारे में भी वैसे तो जो बहुत ज़रूरी जानकारी है वो इसमें मैगजीन में ही दे रखी है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। तो एकात्मकता की मूर्ति की बात हो रही है, स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात हो रही है, तो ये आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है। 8वीं शताब्दी के एक भारतीय वैदिक विद्वान थे आदि शंकराचार्य जी और अद्वैत मत के समर्थक थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, किस मत के समर्थक थे, अद्वैत मत के समर्थक थे। और इसके साथ साथ जो अन्य विशिष्टाद्वैत मत है या द्वैताद्वैतवाद है ये मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूँ तो इसलिए मैंने इसमें से सारी चीजें रखी नहीं है। यानी अद्वैत मत का मतलब है जो व्यक्तिगत आत्मा है उसकी एकात्मकता से जो है इसका संबंध बताया जाता है और इसी सिद्धांत को आदि शंकराचार्य के द्वारा माना जाता था। इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में कालड़ी ग्राम में, ठीक है, एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में इसका इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 788 ईस्वी पूर्व में। और इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया वो भारत में 4 मठों की स्थापना इनके द्वारा की गई चारों दिशाओं में, जैसे कर्नाटक में श्रृंगेरी में, उड़ीसा के पुरी में, गुजरात के द्वारिका में और
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ जो है। तो इस तरह से चार मठों की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके अलावा इनके द्वारा ब्रह्म सूत्र भाष्य यानी ब्रह्म सूत्र पर एक टिप्पणी जो है इनकी रचना है, और इसके अलावा वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ जो है इनकी उत्कृष्ट कृतियों में शामिल किए जाते हैं। 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। इस मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर वतरणम नामक समारोह के दौरान किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये चार मठों के नाम तो आपने मैगजीन में देख ही लिए होंगे, तो यहाँ पर इन चार मठों का महत्व क्या है? आपको पता है भारत के जो हमारे जो वेद हैं वो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो चारों मठ हैं वो अलग अलग रूप से जो हमारे चार वेद हैं उन चारों वेदों का क्या करते हैं, संरक्षण करने का काम करते हैं। तो जो गोवर्धन मठ है आपका पुरी में, ठीक है, ये ऋग्वेद का संरक्षक इसको माना जाता है। द्वारका पीठ जो है गुजरात में, ये सामवेद के संरक्षण के लिए जानी जाती है। श्रृंगेरी जो है ये यजुर्वेद के संरक्षण से संबंधित है, और जोशी मठ उत्तराखंड में ये अथर्ववेद के संरक्षण से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में श्रृंगेरी मठ को संरक्षण देने वाला पहला राज्य था, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य की बात हो रही है, तो इनके द्वारा दश नामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और ये चार जो मठ हैं इनको इस तरीके से भी आप याद रखेंगे कि पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी, ये मतलब जो चारों मठ हैं ये किन किन दिशाओं में है। तो पूर्वी दिशा में जो मठ है वो पुरी है, ठीक है, दक्षिण में है आपका श्रृंगेरी, कर्नाटक में है ये, और पश्चिम में आपका द्वारका गुजरात में, और उत्तर में आपका बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तराखंड में। इस तरीके से ये चीज़ें आप याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ वननेस के अनावरण के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक संग्रहालय का भी जो है शिलान्यास किया। ये आचार्य शंकराचार्य संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और आचार्य शंकर की एक बहुधातु प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान से युक्त इस बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकात्म धाम निर्धारित किया गया है, जहाँ पर ये जो इनकी प्रतिमा है, ये जो पूरा धाम है, जिस धाम के रूप में इसको विकसित किया जाने का काम जो है किया जा रहा है, इसको एकात्म धाम का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। मानधाता पर्वत ये नर्मदा नदी के तट पर पड़ता है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है 108 फीट है, और इसमें शंकराचार्य को वॉकिंग पोस्चर में दिखाया गया है, चलने की मुद्रा में इनको दिखाया गया है। यह प्रतिमा जो है ये कांस्य मिश्र धातु से निर्मित है, जिसमें 88% कॉपर, 8% टिन और 4% सीसे का उपयोग किया गया है। ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आसन के ऊपर स्थित है, जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी के समान आकार पर टिका हुआ है। इस प्रतिमा का जो वैचारिक स्केच था, कॉन्सेप्चुअल स्केच जो था, वो भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत ने तैयार किया है, और इसी स्केच के आधार पर जो मूर्ति का निर्माण किया था वो सोलापुर महाराष्ट्र के कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरी के द्वारा जो है इस मूर्ति को बनाया गया है। भारत में स्थापित अन्य कुछ प्रमुख मूर्तियों के नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हालांकि ये पुराना हो गया है क्वेश्चन करंट का, तो ये गुजरात में है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में, गोमतेश्वर की प्रतिमा ये कर्नाटका में है, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली, भगवान मुरुगन की प्रतिमा तमिलनाडु में है, और मुरुदेश्वर की, भगवान शिव की प्रतिमा ये कर्नाटक में है। इसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी चर्चा में रहा है। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मेरीलैंड में B.R. अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, और इसी प्रतिमा को नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यह भारत से बाहर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा हैदराबाद से डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है, एक तरह से उसकी कॉपी बना करके जो है अमेरिका के मैरीलैंड में इसका अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? रामवी सुतार। रामवी सुतार ने ही गुजरात का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका भी डिजाइन जो है इन्होंने ही तैयार किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये सभी आप जानते होंगे, पहले से ही आपको पता होगा। अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में B.R. अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, और हैदराबाद में इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 125 फीट है। अब यहाँ पे बात हुई है तो मानधाता नाम आया है। मानधाता का जो है प्राचीन भारत में थोड़ा सा महत्व है। मानधाता को ही सिप्री या माहिष्मति के नाम से जाना जाता था। ये अवंती महाजनपद ओंकारेश्वर की राजधानी हुआ करती थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हो रही है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की समानता की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम उनकी कुछ जो कह सकते हैं योगदान है, जैसे उनकी द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली जाती थी, उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, उनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन जो कि उनकी इसी
समानता की भावना को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। तो उनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो अक्सर कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मूक नायक 1920 में जो है ये पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929 और जनता 1930। पुस्तकें हैं उनकी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द अनटचेबल, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, इसके अलावा बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके द्वारा कौन कौन से संगठनों का निर्माण किया गया, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की गई और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1942 में की गई। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। हल्दी का जो वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा होता है, याद रखेंगे, जिंजीबेरेसी कुल का ये पौधा है। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। ये क्या काम करेगा, ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है देश में हल्दी और हल्दी के जो भी प्रोडक्ट होंगे, हल्दी के जो उत्पाद होंगे, उनके विकास और उनकी संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने का काम करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी का जो निर्यात है वो $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हल्दी के बारे में जो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। हल्दी जो है मैंने आपको बताया, ये कुरकुमा लोंगा इसका साइंटिफिक या वानस्पतिक नाम होता है। जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पौधा इसको माना जाता है, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। करक्यूमिनॉइड्स जो है हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक होता है, बायो एक्टिव होता है। ये जो जैव सक्रिय यौगिक है ये कैसा है, एंटी ऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है, कैंसर रोधी गुण इसमें पाए जाते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इसके अलावा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है और सबसे ज्यादा निर्यात करने का काम भी हल्दी का कौन करता है, भारत करता है। वर्ष 2022-23 में भारत में जो हल्दी का प्रोडक्शन था वो 11.61 लाख टन था, जो वैश्विक हल्दी उत्पादन के 75% से भी ज्यादा, यानी पूरे विश्व में हल्दी का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 75% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत में हल्दी उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है, उसके बाद में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम आता है। हल्दी का जो ग्लोबल ट्रेड है, वैश्विक व्यापार है, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 62% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आज का सेशन हो गया, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज थोड़ी सी कम चीज़ें मैंने कवर करी हैं क्योंकि ये पहला वीडियो है और इस पर आप अपना रिव्यू देंगे और आप बताएंगे मुझे कि इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ या इसको और किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। आपके सुझाव जो होंगे उसके आधार पर इस पूरी मैगजीन में जो भी जानकारी है, मैगजीन के अंदर जो जानकारी है वो तो आपको पता ही है, आपके पास मैगजीन होगी भी, लेकिन इसके साथ साथ अलग से इसमें और क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं जिनका जो कह सकते हैं बेनिफिट है हमको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इस तरीके से और क्या बेहतर चीज़ें करी जा सकती हैं उसके बारे में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू रिस्पॉन्स फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो आज क्योंकि मैंने बताया आपको कि आज थोड़ा सा कम कवर किया है, कल से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इसको कवर करेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी एक रीडिंग आपने कर ली होगी, मैं ऐसी जो है यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। नहीं किया तो एक बार जल्दी जल्दी इसको पढ़ लीजिएगा, अगर मतलब एक फास्ट रीडिंग इसकी कर लीजिएगा, उसके बाद में रिवीजन जिस तरीके से, क्योंकि बिना रिवीजन के करंट अफेयर अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार में पढ़ करके हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर दें तो नहीं हो पाता है, किसी से भी नहीं हो पाता है। करंट अफेयर्स मतलब कि हमने पढ़ा है तो पढ़ के उसको 3-4 बार एग्जाम तक हम कम से कम पढ़ लें तो चीज़ें ठीक तरीके से हमको याद आएंगी, पेपर में प्रश्न देख के हम समझ पाएंगे कि हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या हम सही आंसर टिक कर रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, या क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो 1-2 बार अगर आपने पढ़ रखी हो तो इसका रिवीजन जो है इसके थ्रू आप करते चलेंगे, साथ ही साथ जो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ इन पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।